हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स लेंस। मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ का जो चिल्ड वेदर है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मेरा लास्ट दो शॉपिंग वीडियोस जो कि वाराणसी शॉपिंग और पूरी शॉपिंग के ऊपर था, उन दोनों वीडियोस में मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए मैंने सोचा जब मैं दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं खरीदने को, तो क्यों ना दार्जिलिंग शॉपिंग के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। इस वीडियो में मैंने यहाँ के जो मार्केट्स है वो सब दिखाया है और उसके साथ आप यहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं और हर एक चीज़ का प्राइस भी मेंशन किया है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हर वीक मेरे चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको ट्रैवल कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं खड़ी हूँ दार्जिलिंग मॉल रोड के ऊपर। अगर आपको सस्ते दामों में शॉपिंग करना है तो यहाँ पे दो मार्केट्स हैं। एक है ये मॉल मार्केट, यहाँ पे आप यहाँ से नीचे चले जाएंगे तो बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी के ऑपोजिट पे यहाँ पे एक और मार्केट है, न्यू महाकाल मार्केट। ये मार्केट में भी आपको सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्वालिटी और बार्गेन आप कर सकते हैं। तो ये दोनों मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे दो, अगर अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, इस फाउंटेन के लेफ्ट साइड पे ये जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बेकरीज़ है और कुछ शॉपिंग करने की भी दुकानें हैं। और लंच डिनर करने के लिए कुछ बंगाली रेस्टोरेंट्स भी इस साइड पे ही है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाउंटेन के राइट साइड पे ये जो रास्ता नीचे जा रही है, इस रास्ते के दोनों साइड पे बहुत सारे दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो पहले हम इस रास्ते में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है। उसके बाद जो मार्केट्स मैंने आपको दिखाया वो दो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। इस रोड का नाम है नेहरू रोड। यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में आपको अच्छे क्वालिटी के उलन गारमेंट्स, कोट्स, जैकेट्स और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका क्या प्राइस है? उससे में 650। ये कोट्स का क्या प्राइस है? ये वाला कौन सा कोट में देख करके रेंज बताइए। 2200, 2500 इसी रेंज का। उससे अच्छा ब्रांड में जाइएगा तो थोड़ा कॉस्टली आएगा। और ये वाइट वाले में ये जो है, हाँ मैडम ये देखिए तो, हाँ इसका क्या प्राइस है? 1800। ये देखो टाइप नेस्टा एवं हॉर नेहरू रोड के ऊपर ही इस दुकान में अच्छे क्वालिटी के रिजनेबल रेट्स में ये लोग विंटर गारमेंट्स बेच रहे हैं। चलिए अंदर जाके देखते हैं। बहुत ही कम दामों में यहाँ पे शॉल्स मिल रहे हैं। ये इसका दाम है 1495। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ₹850। पूरे शॉल में अच्छा वर्क किया हुआ है। एक ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। मुझे ये ब्लैक कलर में बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसका भी दाम है ₹850। ऐसा भी आएगा 450। थोड़ा ये मोटा वैरायटी का है 450। शॉर्ट में 250। छोटे छोटे ब्लाउजेस टाइप के हैं 180 रुपीज़। ₹650 एकदम पूरा 290। अभी सेल में चल रहा है ये 150 रुपीज़। कलर्स भी है, अच्छा बाहर भी दुकान पे है। ये 100 रुपये के स्टोल्स हैं। ये थोड़ा लाइट वैरायटी का स्टोरेज डिज़ाइन सिस्टम। ये भी 100 रुपये। देखिए सुंदर कलर है। 100 रुपये के स्टोर्स और ये 80 रुपये के 250 295। यहाँ की कुछ दुकानों में मुझे अच्छे लॉन्ग कोट्स दिखे, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं, कुछ कोट्स ट्राई करते हैं और जानते हैं इसका प्राइस क्या है। दार्जिलिंग का जो फेमस बेकरी है ग्लेनरिग्स, उसके ठीक सामने ही ये भैया शॉल्स लेके बैठते हैं। इनका नाम है दोर्जे शेरपा। अच्छे क्वालिटी के शॉल्स ये रीजनेबल रेट्स में बेच रहे हैं। ये लगामी स्टाइल है। ये भी 350 रुपीज़। ये एक नेपाली स्टाइल शॉल है। दोनों साइड में ही बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ है। हम लोग नेहरू रोड के ऊपर ही कुछ और दुकानें एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस जगह का नाम है क्लब स्टैंड। ये जो सामने रास्ता है, यही रास्ता मॉल की तरफ गई है। हम लोग अभी इसी रास्ते से नीचे आए हैं। अभी हम उस सामने के रास्ते से नीचे की तरफ जाएंगे, चौक बाजार की तरफ। ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हो, ये है दार्जिलिंग का मॉल, द रिंक मॉल। आप चाहे तो यहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। हम अभी यहाँ के जो लोकल मार्केट्स है वही एक्सप्लोर करेंगे। ये जो सामने रास्ता नीचे जा रही है, इसी रास्ते से अभी हम जाएंगे चौक बाजार की तरफ। चौक बाजार जाने का ये जो रास्ता है, इसी रास्ते के ऊपर बहुत सारी दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए। इसी रास्ते के ऊपर हमको कुछ बैग्स और अम्ब्रेलास के दुकान दिखे। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कलेक्शन और प्राइस कैसा है। 900। ये सारे जेंट्स की है ना? जेंट्स का, हाँ। जेंट्स लेडीज कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, दिस इज द 390, 700, 2500। अच्छा, इसमें तो इतना डिफरेंस है। ओके, लेदर पूरा प्योर लेदर, 100% लेदर। और ये रेक्सिन, ये मतलब रेक्सिन नहीं, पुमा लेदर बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, प्योर लेदर 600। अच्छा, 950। ओके, दीस ऑल आर द 2500। अच्छा, 900। ओके, 750। अच्छा, 600। ये 750। हां हां। अच्छा, 600। ओके, 11। अच्छा, 900। ओके, 280, 400, 400, 500, 500, 650, 650। अच्छा, और ये जो बैग है ये वाला 600। और ये जो सामने है ये वाला 500, 600, 800, लाइक सब अलग है। 500, 600, 800। अच्छा, तो ये 200, 250, 200, 250। हम पहुंच गए हैं चौक बाजार। चौक बाजार में आपको कुछ बेकरीज और बहुत सारे फुटवेयर के दुकानें मिलेंगे। चलिए ऐसे ही एक फुटवेयर की दुकान में जाते हैं और देखते हैं कलेक्शन कैसा है। चौक बाजार की गलियों में घूमते हुए हमको एक दुकान दिखा जहाँ पे ये अमेजिंग बंदगला सूट डिस्प्ले पे दिया हुआ था। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए हमने ये ले लिया। ये जो डिस्प्ले है इसका क्या प्राइस है? ये वाला हाँ, 1200 पूरा सेट ना? कलर और साइज मिल जाएगा? अच्छा, आपके पास साड़ीज और सूट्स ये सब मिल जाएगा ना? ऑलमोस्ट क्या रेंज से स्टार्टिंग होता है साड़ीज? हाँ, अच्छा। और सलवार सूट का ये जो सारे जो सेट्स है क्या प्राइस है? 2000। साइज डिफरेंट मिल जाएगा और कलर भी? अच्छा, ये भैया यहाँ पे अम्ब्रेलास बेच रहे हैं। प्राइस रेंज है 200 से 400 रुपए। हाँ, 100 का 2 पैकेट है। यहाँ पे 6 जोड़ा है ना? 100 का 2 पैकेट। अच्छा, 6 जोड़ा है। ये शॉर्ट लेंथ सॉक्स है, 2 पैकेट अगर आप लेंगे तो 100 रुपीज। हम फिर से पहुंच गए हैं दार्जिलिंग मॉल रोड के ऊपर। अभी हम जाएंगे द मॉल मार्केट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बताया था। ये मार्केट बेसिकली एक हॉकर्स मार्केट है, जहाँ पे यहाँ के लोकल लोग विंटर वेयर, अम्ब्रेलास, बैग, सुविनियर्स बेचते हैं। ये वाला लिया है 170। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं। इसका प्राइस है 60 रुपीज। ये पीछे मैग्नेट है तो स्टिक कर सकते हो, अंदर कुछ भी रख भी सकते हो, छोटा कुछ फ्लावर्स। इसके डिजाइन भी है। ये आईना और कॉम का ये 350 ऐसे नहीं है, जैसे 180 वाला है ऐसा करके, तो अब ये 350 है। और ये वाला 180 और ये छोटा वाला एकदम 150 50। ये की रिंग्स है 50 रुपीज़, दोनों साइड पे डिजाइन है। ये ऐसा और सामने ऐसा। ये कितना है? 50। ये सारे 70 और ये सारे 150। ये एक और किए हैं 50 रुपीज़। अच्छा, एक मिरर है ऊपर, अच्छा सा वर्क किया हुआ है, 100 रुपीज़। ये 250, 250, 180, 120। अच्छा, क्या प्राइस है? 300, 250 रुपीज़, 50 रुपीज़। प्राइस है ये वाले 150। ये मैग्नेट्स है, क्या प्राइस है? ये वाला 70 रुपीज़। ये मैग्नेट्स आपको 70 से 150 के रेंज में मिल जाएगा। जेड वाला जो कलर है वो आगे वाला, मतलब ये छोटे वाले सब, पीछे वाला 180। और वो जो लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा आगे वाला 180, पीछे वाला 70, छोटा वाला 30। अच्छा, छोटा वाला 30, फिर 70, फिर 180, पूरा 100 ना। ये 40 रुपीज़ का पेन फ्रूट्स है। ये मॉल मार्केट के पास एक भैया बैठते कैक्टस और सक्यूलेंट लेके, वो सामने बैठे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं थोड़ा। क्या प्राइस थोड़ा फिर से बताइए इसका? 180 है ये वैरायटी, आपका थोड़ा सा रेयर है, ट्रांसपेरेंट वैरायटीज है ये, हाँ। कलर ट्रांसपेरेंट। और ये जो है आपका ये 150 का है, इसमें आपका कलर ट्रांसपेरेंट होगा, जो कलर है वही रहेगा। और फ्लावर कैक्टस में आपका 250 का है, इसमें आपका 200 तक आ जाएगा। ये 250 का है, 200 तक आ जाएगा। अच्छा, और आप अच्छे से पैक करके दे सकते हैं? मैडम अच्छे से पैक करके देंगे आपको, ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 से 5 डेज आप ऐसे ट्रैवलिंग कर सकेंगे। नो वाटर, रिपोर्टिंग करते वक्त एक बार पानी देना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस में एक ही बार देना पड़ेगा पानी। मतलब वीक में एक बार या दो बार? वीक में एक बार देने से भी अच्छा रहेगा, वीक में एक बार। ये पूरा जो इनका जो मिक्सचर है, ये 4 चीज़ का ये बोले है, उसका पूरा मिक्सचर भी इनके पास है। अब चाहे तो इसको लेके फिर इसको बड़े टॉप में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं घर में जाके। क्या क्या चार्ज है इसका? इसका 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ है। हाफ के जी का है, हाफ के जी का है। अच्छा, सुबह के टाइम पे बैठते हैं क्या? सुबह के टाइम में 10 बजे से बैठता हूँ मैं। 10 बजे ना? अच्छा, ऑनलाइन में भी है, मैं ऑनलाइन से भी करता हूँ, व्हाट्सएप ऑनलाइन, व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मॉल रोड के ऊपर ही ऐसी कुछ दुकान है जहाँ पे आपको सिल्वर, ब्रास, कॉपर के सुवेनियर्स, सिल्वर ज्वेलरी, क्यूरियोस, ये सब मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। सारे ब्यूटीफुल बॉक्सेस पेपर मैश से बने हुए हैं। प्राइस स्टार्ट होता है 100 रुपए से। ये एक प्रेयर व्हील हमने लिया है, इसका प्राइस है 550 रुपीज। ऊपर कॉपर है, ये याकून है और ये वुड से बना है और यहाँ पे ओम मणि पद्मे में लिखा है। किसी को तो हमको सोचना है हमको किसको देना है, देने का दिन गयो। मॉल मार्केट के ठीक ऑपोजिट साइड पे ही एक और हॉकर्स मार्केट है जिसका नाम है न्यू महाकाल मार्केट। चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ऐसा एक पॉम्पम वाला स्कार्फ लिया है, पॉम्पम में 300 रुपीज़। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मुझे ये ब्लैक कलर बहुत पसंद आया, मैंने ले लिया। ये पॉम्पम वाले स्कार्फ्स डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है। ये सारे पैंट्स का प्राइस है 200 रुपीज़ ईच। मॉल रोड के ऊपर ही ये एक दुकान है जहाँ से हम हमेशा चाय खरीदते हैं जब भी हम दार्जिलिंग घूमने आते हैं। इनके पास बहुत सारे वैरायटी के चाय मिलते हैं। इस दुकान को छोड़ के और भी कुछ दुकानें हैं और लोकल मार्केट्स में भी आपको अच्छी चाय मिल जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से खरीदती हूँ इसलिए आपको इसी दुकान के बारे में बता रही हूँ। आप चाहे तो डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। हमने ये एक लिया है ऑटम फ्लश, इसका प्राइस है आपका 490 रुपीज़, 100 ग्राम्स। और ये एक लिया है सेकंड फ्लश, इसका प्राइस है 330 रुपीज़, 100 ग्राम्स। और ये फर्स्ट फ्लश 550 रुपीज़, 100 ग्राम्स। तो कैसा लगा दार्जिलिंग शॉपिंग का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड टेक केयर।